सरकार बदलने भले वाली है लेकिन आरजेडी सत्ता में बने रहने की आखिरी बाजी अब भी खेल रही है, क्योंकि महागठबंधन के बचे हुए सारे दलों को मिलाकर भी आरजेडी के पास बहुमत का आंकड़ा मौजूद नहीं है। लेकिन आरजेडी की कोशिश अब भी जारी है, कभी जीतनराम मांझी से संपर्क साधा जा रहा है, कभी लेफ्ट पार्टियों के दफ्तरों को फोन मिलाए जा रहे हैं। होना क्या है ये कल पता चलेगा। सत्ता से बेदखली क्या होती है वो तेजस्वी यादव की इस तस्वीर में देखिए। चाचा भतीजा सत्ता के लिए साथ आए और सत्ता के लिए अलग हो रहे हैं। गलबाहियां, पुचकारियां, मुस्कुराहटें और अब रुसवाइयां। कल क्या होगा कोई भविष्यवक्ता है नहीं, और राजनीति में तो राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता ने जो संघर्ष किया है वो सबको पता है। संघर्षों का नाम ही है लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल। तो इसलिए जनता के लिए समर्पण, जनता के लिए जो कमिटमेंट है उस पर हमारी पार्टी, हमारे नेता सब दिन रहे हैं, आगे भी रहेंगे। मैं फिर बात दोहराना चाहता हूँ और कहीं कुछ नहीं, लेकिन ये कांग्रेस के लोग जरूर जदयू से, चूंकि प्रेम भाव रहा है, सब कुछ रहा है कांग्रेस के, ये अशोक चौधरी अध्यक्ष खुद मिल सकते हैं, सब कुछ वो अशोक चौधरी के माध्यम से सारे लोग आ रहे हैं जदयू से नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, इसमें दो मत नहीं। क्या से क्या हो गए देखते देखते, चाचा सीएम और भतीजा डिप्टी सीएम। बिहार के विकास को बुलेट ट्रेन से तेज भगाने का वादा, 10 लाख रोजगार देने की कसम, बिहार को चैंपियन बनाने की शपथ, सब के सब सियासत की। चाचा ने भतीजा का साथ छोड़ दिया, सत्ता छीन ली। सियासत है, ये सब चलता है, लेकिन सवाल है अब आरजेडी क्या करेगी। आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी है, जनाधार वाली पार्टी है, कांग्रेस के साथ अब भी बनी हुई है, इंडी गठबंधन का हिस्सा है। लाजमी है खामोशी से सत्ता जाने का तमाशा तो आरजेडी नहीं ही देख रही है, तो कर क्या रही है। सूत्रों के हवाले से आरजेडी के कुछ एक्शन देख लीजिए। आरजेडी जीतनराम मांझी से संपर्क में है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी अभी एनडीए में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति बार बार आस्था जता चुके हैं। हिंदुस्तान अवामी मोर्चा के पास 4 विधायक हैं। जीतनराम मांझी के बेटे संतोष सुमन पिछले साल जून में नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री थे। उस वक्त नीतीश पूरे देश में घूमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का एक बड़ा मोर्चा तैयार कर रहे थे। उनको आशंका थी कि जीतनराम मांझी के बेटे के जरिए उनके गठबंधन की खबरें बीजेपी तक पहुंच सकती हैं। बाद में जीतनराम मांझी के बेटे को मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा, लेकिन जीतनराम मांझी का दावा था कि नीतीश चाहते थे कि हम का जेडीयू में विलय हो जाए, जो उनको मंजूर नहीं था। जीतनराम मांझी के पास एक बार फिर मौका है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या वो एनडीए छोड़ने का खतरा मोल लेंगे। इन सवालों के जवाब सर्दी की गुनगुनी धूप में नहीं, ठंडी रात में आरजेडी सियासी कड़ाही में उबाल रही है। आरजेडी के पास सत्ता में बने रहने के जितने भी साधन हो सकते हैं उन पर प्लान बनाकर काम जारी है। इस प्लान की डिटेल, या बोले तो आरजेडी के सरकार में बने रहने की प्लानिंग की डिटेल दिखाने से पहले कांग्रेस का विधायक कांड भी देख लेना जरूरी है, क्योंकि आरजेडी की सरकार बनाने की रणनीति में कांग्रेस के 19 विधायक भी हिस्सा हैं। इधर कांग्रेस के 19 विधायकों में से 10 के बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी के संपर्क में हैं, मतलब टूटकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन बाकी 9 कहां हैं किसी को नहीं पता। ना तो फोन उठा रहे हैं, ना अपने कहीं होने की खबर दे रहे हैं। बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह कह रहे हैं कि हमारे विधायक कहीं नहीं गए।
बैठती हैं हमेशा। नहीं ऐसा तो आज बिल्कुल नहीं बैठक होने वाली, आज हम लोगों का जो तैयारी समिति है उसका बैठक हो रहा है। जो अभी राजनीतिक हालात, विधायकों को कल बुलाया, जो राजनीतिक हालात है उस पर क्या कहेंगे? अभी सब कुछ आपको बता दें, अभी बिहार में जो राजनीतिक हालात है उस पर क्या कहेंगे सर? बिहार में जो राजनीतिक हालात है उस पर क्या कहेंगे? हेडी नीचे कीजिए। मतलब कुछ हो गया क्या? होने की संभावना जताई जा रही है। तो होने की संभावना पर मैं क्यों बोलूंगा? आरजेडी के पास बिहार में सत्ता में रहने के कितने विकल्प खुले हैं या कितने विकल्पों पर आरजेडी विचार कर रही है, इसे आंकड़ों में समझने की जरूरत है। मांझी के पास 4 विधायक हैं, आरजेडी के पास 79 विधायक हैं, कांग्रेस के 19 और लेफ्ट पार्टियों के पास 16 विधायक हैं। इनकी संख्या कुल मिलाकर 114 हुई। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 5 में से 4 विधायक पहले ही आरजेडी अपने में मिला चुकी है। अगर बचा हुआ एक विधायक अगर आरजेडी के साथ आ गए तो इनकी संख्या 115 पहुंच रही है। यह बहुमत के आंकड़े से 7 दूर है। सूत्रों के मुताबिक निर्दलीय होकर भी मंत्री बने सुमित कुमार सिंह भी उसके पास आ सकते हैं। उस दावे को सही मान ले तो निर्दलीय जोड़कर आंकड़ा 116 होता है, मतलब अब भी 6 की दूरी है। जीतन राम मांझी कांग्रेस लेफ्ट और निर्दलीय विधायकों के साथ सरकार बनाने का तेजस्वी यादव का प्लान रेडी है। इसके बाद बिहार की सियासी गणित बदलेगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या जीतन राम मांझी एनडीए छोड़ने का फैसला कर पाएंगे? क्या तेजस्वी यादव उनको एनडीए छोड़ करके अपने पाले में लाने के लिए कुछ उनको ऑफर दे पाएंगे? ये तो समय बताएगा, लेकिन तस्वीर अगले कुछ घंटों में साफ हो जाने वाली है। इसके गुत्थे सुलझाने के लिए आरजेडी किस एक्शन प्लान पर काम कर रही है, इसके डिटेल दिखाने से पहले आपके सामने अब बिल्कुल पिक्चर क्लियर है कि बिहार में नई सरकार किसकी होगी और नई सरकार का मुखिया कौन होगा। ये दावा आंकड़ों के आधार पर है। बिहार में जेडीयू और बीजेपी दोनों मिलकर सरकार बनाने में समर्थ हैं। बिहार विधानसभा में बीजेपी के 78 विधायक हैं और जेडीयू के 45। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243 है, लिहाजा बहुमत का आंकड़ा बनता है 122 और बीजेपी जेडीयू के पास है 123। मामला बिल्कुल साफ है। बार बार सरकार में गलत डिसीजन लेना, पलटी मारना, ये किसी भी मायने में शोभा नहीं देता। जेडीयू के विधायकों का मुसीबत आएगा या आरजेडी का? जेडीयू का मुसीबत आएगा। राजद नेतृत्व बेचैन है, बेचैनी का कारण साफ है कि चूंकि इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का। तो 215,000 शिक्षकों की बहाली जो तय सीमा में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें न पदस्थापन में चल पाया न नौकरी देने में चल पाया, तो स्वाभाविक है अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अनर्गल प्रलाप पर रोक लगाइए, वरना अंजाम इसका राजनीति में बेहतर नहीं होगा। लेकिन क्रिकेट मैच की तरह सियासत में भी जब तक आखिरी गेंद फेंक नहीं दी जाती, संभावना बची रहती है। यहाँ तो और भी पलटी मार नीतीश कुमार का मामला है। दूसरी ओर एक आंकड़ा और है जिसके मुताबिक नीतीश के रहते बिहार में महागठबंधन का आंकड़ा था 159 और उनके 45 विधायकों के जाने से हो गए 114, जो कि बहुमत से एक तो नहीं 8 से 2 हैं। तो आरजेडी का सारा गुड़ा भाग यहीं बिगड़ जाता है, लेकिन आरजेडी अब भी हाथ पैर मार रही है, अंतिम प्रयास कर रही है जिसका कोई नतीजा शायद ही निकले। लालू यादव के राजपाट के दिन विदा हो गए। अब देखिए बिहार की सियासत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गठबंधन से मोह भंग तो हो ही चुका है, एक बार फिर से वो बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अब माना यही जा रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर बीजेपी के समर्थन से दोबारा शपथ ले सकते हैं, कल ये काम हो जाएगा कहा जा रहा है। और यही वजह है कि बिहार समेत पूरे देश में नीतीश कुमार का टैग एक बार फिर से ट्रेंड कर रहा है। सवाल यह है कि आखिर नीतीश कुमार के पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिससे मौरे तो बदलते रहते हैं लेकिन वजीर हमेशा नीतीश कुमार ही रहते हैं। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है, कह के लिए बोल रहा है। छोड़ो कल की बातें,
कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। नीतीश कुमार ने फिर नई सियासी कहानी लिख दी, नए मोह भंग की कहानी, नई यारी की कहानी, नई सियासी पारी की कहानी। ये बात अलग है कि इस कहानी पर कटाक्ष करने वालों की कतार बहुत लंबी है। नीतीश कुमार जब जहां हैं उसके हिसाब से बात करते हैं, जब भाजपा के साइड जाना होगा तो परिवारवाद दिखने लगेगा, जब भाजपा को छोड़कर लालू जी के साथ जाना होगा तो उनको संप्रदायवाद दिखने लगता है। बार बार सरकार में गलत डिसीजन लेना, पलटी मारना, ये किसी भी मायने में शोभा नहीं देता। एक जगह पर आप अयोध्या की राम की बात करते हो, राम का सत्य वचन, राम राज्य की बात करते हो, दूसरी तरफ बिहार में आप परशुराम को साथ में लेकर जाना चाहते। नीतीश कुमार की काया पलट ने बिहार को गलन वाली ठंड में भी गर्मा दिया है। नीतीश कुमार के नए सियासी कदम ने एक बार फिर इस बात पर मुहर लगा दिया है कि वो बिहार की सत्ता के लिए जितने जरूरी हैं, सहयोगियों के लिए उतनी ही बड़ी मजबूरी भी है। रही बात नीतीश कुमार को मिले खास टैग की, तो इस बार भी उनके मोहभंग और यारी में एक बार फिर उनका जाना पहचाना फॉर्मूला सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार की नई करीबियों को देख अब तक नीतीश की सहयोगी पार्टी आरजेडी नीतीश कुमार के सियासी चरित्र चित्रण पर उतर आई है। उनको बताना चाहिए, हमारे प्रवक्ता ने पूछा भी है कि जो इस तरह का संकेत है, हम लोग को किसी तरह का अविश्वास नहीं है। क्या बात है जो इस तरह की बात चल रही है और वो इस पर चुप है? हमने कहा था कि इसको सशंका जो है, हमको विश्वास नहीं है जो चर्चाएं चल रही है। मुझे विश्वास है कि ये सरकार हमारी महागठबंधन की सरकार मजबूती से चल रही है, लेकिन अगर कोई चीज बाजार में आ जाए तो इसकी खुलासा करना चाहिए। बिहार की राजनीति में समय समय पर यह चर्चा होती रहती है कि नीतीश हमेशा दोनों दरवाजे खोले रखते हैं, या ये कहें कि नीतीश हमेशा वैसे सियासी हालात बनाकर रखते हैं कि उनके लिए दो दरवाजे हमेशा खुले रहें। इतना तो शीशे की तरह साफ हो चुका है कि नीतीश कुमार के खिलाफ आरजेडी की तरफ से लानत मलानत का लंबा दौर चलने वाला है। एक जगह मन नहीं लगता है। कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं। अस्थिर रह के बिहार की जनता के लिए वो नहीं सोचते, उनका जो अपना सोच है वो उसी पर चलते हैं। अब वो क्या करेंगे जनता के साथ मालूम। शुक्रवार को जिस वक्त पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, उस वक्त बिहार में सियासी परेड चल रही थी। इस कड़कड़ाती ठंड में बिहार की राजनीति उबल रही थी। हार जीत का खेल हर खेमे में चलता रहा, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सत्ता की बाजी नीतीश कुमार के हाथ में ही है। वही बिहार है, मुख्यमंत्री की वही कुर्सी है, मुख्यमंत्री भी वही रहेंगे। अगर कुछ बदलेगा तो बिहार का सियासी समीकरण और बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ लेने का क्रम। नीतीश कुमार नौवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। फर्क बस इतना होगा कि आरजेडी विपक्ष बन जाएगी और एनडीए एक बार फिर बिहार की सत्ता में आ जाएगी। नीतीश कुमार बिहार में 24 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इस सफर में गठबंधन बदला, सहयोगी दल बदलते रहे, नीतीश कुमार का मन बदलता रहा, दलों के साथ उनकी डील बदलती रही है। बिहार के बाकी सियासी दल कभी सत्ता में रहे तो कभी विपक्ष में, सहयोगी चाहे जो भी रहे, मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार के पास ही रही है। यही वजह है कि राजनीति के गलियारे में नीतीश कुमार को लेकर तरह तरह के सियासी मुहावरे गढ़े जाते हैं। का बहाना बना के चादर ओढ़ के न जाने भारत के राजनीतिक इतिहास में कितना बारी पलटी इन्होंने मारा है, इनको पलटू राम ही कहिए। नीतीश कुमार के समर्थकों के लिए अब उन बयानों को भूल जाने का वक्त है जिसमें नीतीश कुमार ने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे पर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। आज जिस तरह से बाकी सब के साथ कर रहे हैं, हम तो अलग हो गए। और आप जान लीजिए, जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग साथ जो पुराने समाजवादी हैं, एक साथ रहेंगे और बिहार का तो तरक्की करेंगे ही, देश के उत्थान के लिए भी हम लोग मिल करके काम करेंगे। आप सबका सहयोग चाहिए। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए।
लेकिन सियासत में समीकरण के साथ साथ बयानों के बदलने की रवायत बहुत पुरानी है। खासकर नीतीश कुमार तो इस खेल के सुरमा माने जाते हैं। 2022 में नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर महागठबंधन सरकार में सीएम बने। 2017 में महागठबंधन से अलग एनडीए सरकार में सीएम बने। 2013 में एनडीए से अलग होकर आरजेडी के समर्थन से नीतीश सीएम बने थे। 1994 में जनता दल से अलग होकर समता पार्टी का गठन किया था। नीतीश कुमार बिहार की सियासत में खुद को धुरी बनाए हुए हैं और उन्हीं के इर्द गिर्द 20 सालों से बिहार की सत्ता का चक्र घूम रहा है। पिछले 10 वर्षों में पांचवी बार नीतीश का अपने सहयोगी दल से मोह भंग हुआ है। कभी उनका मोह भंग एनडीए से हुआ था, इस बार उसी एनडीए से उनकी यारी की खबर है। लेकिन आरजेडी हो या फिर बीजेपी, दोनों को पता है कि नीतीश कुमार के लिए नाता तोड़ना या फिर जोड़ना बाएं हाथ का खेल है। कुर्सी के ये लालू जी जेल जा रहे थे, किसको दिया कुर्सी? राबड़ी जी को। नीतीश जी जब तक हम लोगों के साथ रहे तब तक लगा कि स्व है वो, जब बीजेपी को छोड़ दिया तो साथ में लड़े थे जनाधार, तो बना दिया जीतन राम मांझी को। लेकिन 6-8 महीना में फिर कहा हटो। नीतीश ने 1974 के छात्र आंदोलन के जरिए राजनीति में कदम रखा। 1985 में पहली बार विधायक बने। इसके बाद नीतीश कुमार ने पलटकर नहीं देखा और सियासत में आगे बढ़ते चले गए। लालू प्रसाद यादव 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 1994 में नीतीश ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नीतीश और लालू एक साथ जनता दल भी थे, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा में दोनों के रिश्ते एक दूसरे से अलग हो गए। फिर कई बार दल मिले, दिल मिले, साथ टूटा। अब यारी और मोहभंग का सिलसिला नए पड़ाव पर पहुंच चुका है। जो भी खबरें आ रही हैं उससे एक भ्रम की स्थिति बिहार की राजनीति में पैदा हुई और असमंजस बना हुआ है। कोई स्थिति को स्पष्ट नहीं कर रहा है आखिर ये वजह क्यों बन गई। जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से लगता है कि नीतीश जी फिर पाला बदलेंगे। दरअसल बिहार में राजनीतिक हलचल की खबरें तो एक हफ्ते से चल रही थी, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती से एक दिन पहले बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेला और बिहार में सियासी उथल पुथल शुरू हो गई। बीजेपी ने दिग्गज समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का ऐलान किया है। उसके बाद श्रेय लेने की राजनीति शुरू हुई और बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू तीनों दलों के नेता आपस में भिड़ गए। आखिर में इस सियासी पिक्चर का क्लाइमेक्स सामने आया जिसमें नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते दिखे। अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे लेकिन कल कर दिया है तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। ये पहली बार नहीं होगा जब नीतीश कुमार किसी गठबंधन को तोड़कर दूसरे दल से हाथ मिला रहे हैं। वो एनडीए, महागठबंधन और लेफ्ट पार्टियों के साथ पहले भी हाथ मिला चुके हैं। हर बार नीतीश कुमार तो वही रहते हैं, वही करते हैं जिसके लिए वो मशहूर हैं। हाँ, ये बात अलग है कि नीतीश कुमार को लेकर पार्टियों की भाषा जरूर बदल जाती है। समकालीन राजनीति में जो चल रहा है हर मुद्दे पे चर्चा हुई, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हो या राज्य के मुद्दे हो, उसके बाद चर्चा के पश्चात हर पहलू पे गंभीरता पूर्वक विश्लेषण के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद जी को सब लोगों ने हाथ उठाकर अधिकृत किया। सबसे पहले नीतीश कुमार 3 मार्च 2000 को मुख्यमंत्री बने थे। जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उनके पास बहुमत नहीं था और मात्र 7 दिन बाद ही उनकी सरकार गिर गई थी। नीतीश कुमार का दूसरा कार्यकाल 24 नवंबर 2005 से शुरू हुआ और 24 नवंबर 2010 तक चला। तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने 26 नवंबर 2010 को ली थी, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की जबरदस्त हार हुई थी। उन्होंने पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था और उस समय उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था।
चौथी बार नीतीश कुमार ने 22 फरवरी 2015 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था। इसके बाद पांचवी बार नीतीश कुमार 20 नवंबर 2015 को मुख्यमंत्री बने। ये आरजेडी के साथ गठबंधन सरकार थी। तेजस्वी यादव इसमें उप मुख्यमंत्री थे। दरअसल साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और लालू यादव की आरजेडी के बीच महागठबंधन बना था, जिसने चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की। नीतीश कुमार ने करीब 1.5 साल बाद ही तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़ दिया, लेकिन तुरंत बाद ही उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन खड़ा कर दिया। फिर 27 जुलाई 2017 को नीतीश कुमार छठी बार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए। 2020 का चुनाव नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ लड़ा था। यूं तो नीतीश कुमार का पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, फिर भी बीजेपी जेडीयू गठबंधन के वो मुख्यमंत्री चुने गए।